1846। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हु रिसीव द ब्रेवरी अवार्ड इन जम्मू एंड कश्मीर 2020। तो जम्मू कश्मीर में 2020 का ब्रेवरी अवार्ड दोस्तों किस पर्सन को मिला था ये हमने बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका रिंकू राजा पंडिता। रिंकू राजा पंडिता जो हैं इनको 2020 का मिला था आपका ब्रेवरी अवार्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि जम्मू एंड कश्मीर हैज़ रिसीव्ड हाउ मैनी पद्म भूषण सो फार। अभी तक टोटल जम्मू कश्मीर को कितने पद्म भूषण अवार्ड जो है दोस्तों वो मिले हैं। राइट आंसर आपका है 5 पद्म भूषण अवार्ड्स। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से पद्म भूषण अवार्ड जो हैं वो एक इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण। ठीक है, ये 1954 में बनाया गया था दोस्तों। जम्मू कश्मीर में अभी तक 5 लोगों को ये पद्म भूषण का अवार्ड मिल चुका है। चलते हैं आगे बढ़े क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स अवार्डेड बाई जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर इज़ गिवन इन विच फील्ड। जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट हर 26 जनवरी को गोल्ड और सिल्वर के अवार्ड्स देती है वो कौन सी फील्ड में वो सारे मेडल्स दिए जाते हैं वो आप लोगों ने बताना है। आपके पास ऑप्शन हैं तो मैं आपको राइट आंसर बता दूँ। वो दिए जाते हैं दोस्तों आपके आउटस्टैंडिंग एग्जीक्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आउटस्टैंडिंग काम करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है, जो आपको गोल्ड एंड सिल्वर अवार्ड 26 जनवरी को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देती है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गोल्ड और सिल्वर मेडल जो हैं वो ऑफिसर्स को दिए जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली जो अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट काम अच्छे करते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हु इज़ द रेसिपिएंट्स ऑफ अवार्ड फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स इन ईयर 2021। तो आर्ट परफॉर्म करने के लिए 2021 में किसको अवार्ड मिला था जम्मू कश्मीर से, तो वो आप गए थे लेट मिस्टर सदी लाल कोल। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द ईयर 2021। तो 2021 के लिए आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड किस को मिला था ये हम लोगों ने बताना है। तो वो आपका मिला था दोस्तों संदीप सिंह को। संदीप सिंह जो हैं उनको मिला था आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट गिवन बाय जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज। देखिए इनमें से कौन सा वो अवार्ड है जो जम्मू कश्मीर की अकेडमी आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज नहीं देती वो आप लोगों ने बताना है। तो इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो है आपका शेर कश्मीर अवार्ड। तो अगर मैं इसको डिटेल में देखने की कोशिश करें शेर कश्मीर अवार्ड के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा शेर कश्मीर अवार्ड है वो दिया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन को। ठीक है, ये मदद मेहरबान वुमेन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह अवार्ड एंड बार्बर शाह अवार्ड इन वेरियस फील्ड ये इसके अंडर यहाँ पे दिए जाते। चलते हैं हम आगे। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज स्पोर्ट्स अवार्ड गिवन बाय जम्मू एंड कश्मीर। देखिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सा स्पोर्ट्स अवार्ड प्रोवाइड करती है ये आप लोगों ने बताना है। तो उस अवार्ड का नाम है दोस्तों शेर ए कश्मीर अवार्ड। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हु रिसीव्ड पद्म भूषण अवार्ड फॉर म्यूजिशियन इन 2020 फ्रॉम लद्दाख। लद्दाख से पद्म भूषण अवार्ड किसने जीता 2020 का ये हम लोगों ने बताना है। तो जीतने वाले पर्सन का नाम मैं उनको बता दूँ, दैट इज योर टी स्ट्रिंग रंडोल। चलते आगे। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि गुलाब सिंह वाज डिक्लेयर्ड एज द राजा ऑफ जम्मू बाय रंजीत सिंह इन विच ईयर। देखिए महाराजा गुलाब सिंह जी को राजा बनाया गया था जम्मू का रंजीत सिंह के दोबारा, कौन से साल में बनाया गया ये हम लोगों ने बताना है दोस्तों। उस साल का बताना है कि कौन सा साल था वो जब इनको राजा ऑफ जम्मू दोस्तों डिक्लेयर किया गया। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, तो वो है आपका 1822। आगे यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि पृथ्वीनाथ धर गॉट द पद्म विभूषण इन द ईयर। जो आपके पृथ्वीनाथ धर हैं इनको पद्म विभूषण का अवार्ड कब मिला, पद्म विभूषण, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इनको मिला दोस्तों 2008 में। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2008 में जो हमारे पृथ्वीनाथ धर हैं इनको ऑनर्ड किया गया पद्म विभूषण अवार्ड। ठीक है, 2000 में इनकी मेमोरी थी इंदिरा गांधी द एमरजेंसी एंड इंडियन डेमोक्रेसी पब्लिश की गई थी, तो ये 2012 में इनकी डेथ हुई थी, इनको मिला था 2008 में दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है
कि डैश वाज ए बुद्धिस्ट लामा हु सर्व्ड एज द इंडिया एम्बेसडर टू मंगोलिया. कौन से वो बुद्धिस्ट के लामा थे जो इंडिया के एम्बेसडर रहे थे कंट्री जो जिसका नाम है मंगोलिया उसके लिए? तो वो थे हमारे दोस्तों 19th कुशोक बुकला रिनपो. आगे चलते हैं हम लोग. यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारी ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, ठीक है, जिसके थ्रू आपको पता है कि जो कश्मीर है वो गुलाब सिंह जी को दे दी गई थी, ठीक है, वो कब हुई थी? तो इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ अमृतसर टुक प्लेस, ये हमसे सिंपल भाषा में यहाँ से पूछा जा रहा है. तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा 1846. आपको बता दूं मैं कि जम्मू वाज सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी ब्रिटिश के टाइम पे. वो जैसे फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता 1845-46 में, ब्रिटिश ने सोल्ड कर दी लैंड ऑफ कश्मीर गुलाब सिंह जी को, ठीक है, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर. 1846 में ये ट्रीटी साइन की गई थी. चलते आगे वाले क्वेश्चन पे. यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिस्ट वन को लिस्ट सेकेंड से आपने मैच करना है, ठीक है. जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर कौन थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर कौन थे, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर किसको बोला जाता है, और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर कौन थे, ये आप लोगों ने बताना है. तो इसका मैं अगर आपको राइट आंसर बताऊंगा, चलिए मैं आप लोगों को सीधे बता देता हूं कि कौन सा इसका क्या इसका राइट आंसर यहां पर रहने वाला है. तो जैसे हम अगर बात करें तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर वो थे हमारे मेहर चंद महाजन जो है वो हमारे पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जम्मू कश्मीर के. सेकेंड प्राइम मिनिस्टर हुए हमारे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला. पहले मेहरचंद महाजन इसलिए हुए थे क्योंकि वो महाराजा हरि सिंह जी के टाइम पे ही पीएम उनको बनाया गया था. फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने. और आर्किटेक्ट बोला जाता है बख्शी गुलाम मोहम्मद को. बख्शी गुलाम मोहम्मद वाज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर. वो पहले हमारे चीफ मिनिस्टर बने थे दोस्तों गुलाम मोहम्मद सादिक. चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सैम ये भी आपका मैच करना है आपने. जैसे एजुकेशन रिफॉर्म किसने की, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर इनमें से कौन सा था, ये सब आप लोगों ने यहाँ पर बताना है. इसका मैं राइट आंसर आपको बता दूं तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं. यहां पे जैसे एजुकेशनिस्ट रिफॉर्मर कौन थे आपके, वो थे आपके सोनम वेंचुक जो हैं. आपको पता है जो थ्री इडियट्स मूवी है वो भी लगभग इनकी स्टोरी पर ही बनाई गई है. लद्दाख से ये बिलोंग करते थे. जर्नलॉजिस्ट फ्रॉम कश्मीर वो थे आपके टी स्ट्रिंग लंडोल. फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे आपके स्टैनजिन. और ड्राफ्टेड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन जिसने कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया उनका नाम था सैयद मीर कासिम. आगे चलते हैं हम लोग. ये भी सेम क्वेश्चन है, मैच करना आपको इसमें भी. यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि फर्स्ट डोगरा किंग, लास्ट महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, फिर फर्स्ट सदर रियासत, और फिर कश्मीर का पहला हिस्टोरियन. आप लोगों ने इसके राइट आंसर बताने हैं. मैं आपको बता दूंगा इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है. वो आपका रहने वाला है जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे कि फर्स्ट डोगरा किंग कौन थे, तो फर्स्ट डोगरा किंग थे आपके महाराजा गुलाब सिंह जी. फिर यहां पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि लास्ट महाराजा जम्मू कश्मीर के कौन थे, तो लास्ट महाराजा थे आपके महाराजा हरि सिंह जी, ठीक है. फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि फर्स्ट सदर रियासत आपके करण सिंह जी थे. और फिर बोल रहे हैं कि कश्मीर के पहले हिस्टोरियन का नाम क्या था, वो था आपके कलमान जिन्होंने राज तरंगिणी बुक यहाँ पे लिखी थी.